दोस्तों वैसे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। इनमें से 28 राज्य के राज्यपाल और जो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल या प्रशासक जो होते हैं उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए या तो हम जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो या तो हम उसे छोड़ देते हैं या फिर गलत कराते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि जो प्रमुख राज्य है उनके राज्य के जो राज्यपाल है उनको नाम से ही हम ट्रिक्स बना करके याद करेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक्स होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GK ट्रिक्स विद सादिक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसी ही ट्रिक्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, उनमें आज हमने 14 राज्यों को रखा है, ठीक है, 14 राज्यों को रखा है और उसमें जिसमें हम पार्ट वन में बात करेंगे, ठीक है, पार्ट वन की बात करेंगे 14 राज्य की, फिर पार्ट टू जब हम लेके आएंगे उसमें बचे हुए 14 राज्य की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी, इस ट्रिक को याद कीजिए और एग्ज़ाम में एक नंबर पक्का करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों 28 राज्य के राज्यपाल जो है उनका जो पार्ट वन हमने आज लिया है उसमें 14 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन बनता है वह आंध्र प्रदेश राज्य इधर लिखे है, इधर राज्यपाल लिखे है, ठीक है। तो संबंधित राज्य के राज्यपालों को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। सबसे पहला हमारा जो प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र में बना है अंधा, आंध्र से बना अंधा। तो अंधे लोग जो होते हैं वो जरा में किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, याद रखिएगा। इसके जो राज्यपाल है वो बिश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में बना अंधा, अंधे लोग जो है वो हमेशा किसी पर भी आँख मीच कर, क्योंकि बेचारे अंधे होते हैं तो वो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। विश्वास मतलब बिश्वा, बिश्वा बिश्वा विश्वास कर लेते हैं, अंधे लोग विश्वास कर लेते हैं, अंधे लोग विश्वास कर लेते हैं, मतलब विश्वास मतलब विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश, अगला जो है अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में बना है अरुण, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अपन ने नाम लिया अरुण। अरुण एक लड़का है जो कि बीड़ी पीता है, ठीक है, क्या करता है, बीड़ी पीता है और बीड़ी पीने के बाद कोई उसे समझ ना पाए इसलिए वो मिश्री खा लेता है। क्या खा लेता है, वो मिश्री खा लेता है, मान के चलिए मिश्री खा लेता है माउथ फ्रेशनर के लिए, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो बीड़ी मिश्रा, अरुण जो है बीड़ी पीता है और उसके बाद वो माउथ फ्रेश करने के लिए मिश्री खा लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अगला है असम। तो असम, ठीक है, उनके जो राज्यपाल है असम राज्य के राज्यपाल है वो जगदीश मुखी। तो देखिए दोस्तों असम से बना ओसम, हम किसी को बोलते हैं ना ओसम, किसी का भी चेहरा देखकर फेस देखकर हम क्या बोलते हैं ओसम ओसम, ठीक है। तो असम से बना ओसम किसी का भी चेहरा देखकर या फिर फेस देखकर या फिर हम बोल सकते हैं कि मुख देखकर, उसका मुंह देखकर हम बोल देते हैं ओसम, ठीक है, थोड़ा फनी है बाकी याद रखिएगा दोस्तों। तो असम के राज्यपाल जो है असम मतलब ओसम, तो जगदीश मुखी, किसी का भी मुख देखकर हम क्या बोलते हैं ओसम, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है बिहार, ठीक है। तो बिहार, बिहार में जो वर्ड बना है वो हार, ठीक है, बी को हम छोड़ देंगे, इससे लेंगे हम हार। तो हार देखो ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स होंगे, रेलवेज के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उसमें फिजिकल भी होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान को हारना नहीं है, हारना नहीं है क्योंकि उसे फिजिकल में भागना है। भागना मतलब कि एक शख्स है वो बात कर रहा है कि मैं ग्रुप डी के फिजिकल में हारूंगा नहीं, ठीक है, हारूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि तू मैं भागूंगा, भागू मतलब फागू, भागू मतलब फागू, याद रखेगा फागू मतलब कि भागू, अगर मैं भागूंगा, ठीक है, अगर मैं भागू तो मैं कभी भी हार नहीं सकता ग्रुप डी के फिजिकल में, ठीक है। तो बिहार के जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान, बिहार के जो राज्यपाल है उनका नाम है फागू चौहान, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों राज्य के राज्यपालों को याद करने की ट्रिक में अगला जो प्रदेश है वो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके, ठीक है। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए छत्तीसगढ़ से बना हमारा 36, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमने 36 लिया है, तो 36 नंबर की सुई लेके आना, क्या लेके आना, 36 नंबर की सुई लेके आना, ठीक है। किसी को हमने बोला कि भाई 36 नंबर की सुई लेके आना जो कि 36 रुपये की हो, 36 नंबर की सुई लेके आना जो कि 36 रुपये की हो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके, 36 रुपये की सुई लेके आना। अगला है गोवा,
तो गोवा में देखिए दोस्तों, अक्सर जो है गोवा का जब नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि जो समुद्र का जो तट है वहाँ पर घूमने को मिलता है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलता है, और फिर पीने की बात भी आती है। मतलब थोड़ा फनी है, जैसे लोग वहाँ जाते हैं वाइन पीते हैं, ठीक है, शराब वगैरह बियर वगैरह पीते हैं, ऐसा हम सुनते हैं अक्सर, ठीक है। तो इसे आप किसी भी तरह से पर्सनल लीजिएगा दोस्तों, एक ये फ़नी ट्रिक है, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो गोवा, गोवा में हम जब भी नाम सुनते हैं तो क्या हमारे मन में आता है कि वहाँ लोगों पीते भी है, ठीक है, वाइन शराब वगैरह पीते हैं, तो बस पीते मतलब पिलाई, ठीक है। तो कोई एक दोस्त सादा सिंपल इंसान था, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया, तो वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती पिलाई, क्या पिलाई, वाइन पिलाई या फिर बियर पिलाई, ठीक है। तो गोवा, गोवा में हमारा माइंड हमेशा जाता है कि वहाँ पीने खाने पीने की बात चलती है, तो बस गोवा से याद रखिए, गोवा में पिलाई, तो क्या पिलाई, शराब पिलाई या बियर पिलाई, ठीक है। इसे दोस्त पर्सनली ना लीजिएगा, ये सिर्फ एक फ़नी है, ट्रिक है याद करने के लिए। तो गोवा के जो राज्यपाल है वो कौन है, श्रीधरन पिलाई, श्रीधरन पिलाई जो है गोवा के राज्यपाल है। अगला है दोस्तों गुजरात। तो देखिए गुजरात में बना गुजरात से बना है रात, ठीक है, गुजरात में से हमने लिया रात, रात वर्ड को लिया, तो इसके जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। तो देखिए रात में ही अक्सर क्या होता है कि कोई भी इंसान रात से ही व्रत स्टार्ट करता है या फिर रात को ही ख़त्म करता है या खोलता है या तोड़ता है, ठीक है। अपना जो व्रत कोई भी रखता है तो वो रात से ही व्रत को रखना स्टार्ट कर देता है या फिर रात को ही ख़त्म करता है, ठीक है, रात में ही ख़त्म कर देता है। तो याद रखिएगा गुजरात के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत, व्रत कब से रखा था तुमने, तो रात में से व्रत रखा, व्रत को कब खोला है, तो रात को खोला है, याद रखिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हरियाणा, तो हरियाणा देखिए दोस्तों, हरियाणा में से अपन ने वर्ड लिया हरा, ठीक है, हरियाणा से उच्चारण क्या होता है, हरा भरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि हरियाणा के जो राज्य के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय है। तो याद रखिएगा कि हरे जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, तो हरे हरे फूल या फलों से ही क्या बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, ठीक है, क्या बनाई जाती है, दारू बनाई जाती है, याद रखिएगा हरे फूल और फलों से ही दारू बनाई जाती है। तो याद रखिएगा कि हरियाणा के जो राज्य के राज्यपाल है वो क्या है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों राज्य के राज्यपालों में अगला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अगला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उनके जो राज्यपाल है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्य के जो राज्यपाल का नाम है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में से हमने लिया है चल, ठीक है, चल लिया, ठीक है, तो चल से, ठीक है, यहाँ पर चल लिया, यहाँ पर लेकर बना, ठीक है, तो चल लेकर, ठीक है, मुझे लेकर चल, याद रखिएगा कि एक शख्स है वो दूसरे शख्स को क्या बोल रहा है कि मुझे भी साथ में लेकर चल, लेकर यहाँ से उठाया हमने, अर्लेकर से बनाया है लेकर, तो लेकर चल। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ट्रिक पसंद आई होगी। तो एक शख्स दूसरे शख्स को क्या बोल रहा है कि मुझे लेकर चल, लेकर चल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लेकर चल, हिमाचल, चल चल, लेकर चल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है झारखंड। तो झारखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा फनी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हमने साइंस लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए झारखंड से हमने लिया है झरना, ठीक है, झारखंड से बना है झरना, ठीक है, एक उच्चारण होता है झरना, ठीक है। तो झरना जो होता है अक्सर क्या होता है, वो जब गिरता है ऊंचाई से, ठीक है, झरना जो अब अपने ऊंचाई से गिरता है, झरना ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है, मतलब कि अपने बेस की तरफ, आधार की तरफ, याद रखिएगा झरना जब ऊंचाई से गिरता है तो किधर गिरता है, नीचे की तरफ, मतलब आधार की तरफ, और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, मतलब नीचे की तरफ, बेस की तरफ गिरता है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि झारखंड से हमने लिया झरना, ठीक है, वो अपने नीचे गिरता है, मतलब बेस की तरफ गिरता है, ठीक है। तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमेश बैस। अगला है दोस्तों कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक शब्द जो है, कर्नाटक में आपने सुना होगा कि कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा सोना और दूसरा चंदन प्राप्त होता है, ठीक है। तो चंदन मतलब कि कर्नाटक के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, थावरचंद गहलोत, ठीक है, कर्नाटक के जो राज्यपाल है उनका नाम है थावरचंद गहलोत। तो बस याद रखिएगा कि कर्नाटक में एक तो सोना मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, चंदन, ठीक है, चंदन भी प्राप्त होता है कर्नाटक से। तो बस
याद रखिएगा कि कर्नाटक में चंदन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए हमें याद रखिएगा कि कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों इस सेशन का ये पहला पार्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्यपाल और राज्य के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर इसमें पूछा जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसे आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको पार्ट टू इसका चाहिए या नहीं चाहिए, जैसा भी हो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।